सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो बाहर से दिखते हैं। कभी भी दूसरों से उम्मीद मत रखो, क्योंकि आपकी उम्मीद ही आपके दुख का कारण बनती है। मत जियो उनके लिए जो दुनिया के लिए खूबसूरत हो, जियो उनके लिए जो तुम्हारी दुनिया खूबसूरत बनाए। आज का पंचांग 9 जुलाई 2022 दिन शनिवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, शाम 4:39 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र सुबह 11:25 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:11 से 10:51 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर सुबह 4:21 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 9 जुलाई 2022 दिन शनिवार, अभी आपको यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। दुनिया को देखने के लिए इसका आनंद लें। आप नई आध्यात्मिक दिशाओं की तरफ आकर्षित होंगी। सुने कि आपके सलाहकार या शिक्षक आपसे क्या कहना चाहते हैं। पिता या पिता जैसा कोई आपके अच्छे भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अतीत की व्यस्त गतिविधियों के बाद आज के दिन शांतिपूर्ण बीतेगा। यह शांति भरे क्षण आपके लिए फायदेमंद है। आज काम में शानदार प्रदर्शन करने के साथ साथ हर काम समय पर पूरा करेंगे। सब कुछ खोने में हमारी हार नहीं है, बल्कि असली हार है उस उम्मीद को खोने में जिसके दम पर हम सब कुछ पा सकते हैं। कोई भी फैसला प्रैक्टिकल होकर लें, जिसे आप अपने कामों को बेहतरीन अंजाम दे पाएंगे। निकट संबंधियों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर कोई गंभीर और लाभदायक विचार विमर्श होगा। घर में धार्मिक आयोजन संबंधी योजना भी बनेगी। लोगों से मिल रही आलोचनाओं और सुझावों की वजह से आपकी दुविधा बढ़ सकती है। चंचलता और बेचैनी बढ़ेगी, इस कारण निर्णय लेने के बाद भी बार बार बदलाव करने की कोशिश की जा सकती है। खुद की बातों के साथ ही अन्य लोगों की बातों पर भी ध्यान दें। करियर से जुड़ा बड़ा निर्णय लेने से पहले अनुभवी लोगों के साथ चर्चा जरूर करें। आपकी अपेक्षाएं और पार्टनर के स्वभाव में आ रहे बदलाव की वजह से रिलेशनशिप में दिक्कतें हो सकती हैं। सावधानियां, दूसरों के मामलों में बिन मांगी सलाह दें, वरना मानहानि जैसी स्थिति बन सकती है। अपने स्वभाव में सकारात्मकता बनाकर रखें। तनाव की वजह से आपके कुछ काम अधूरे रह सकते हैं और फैसले भी गलत हो सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, परंतु विवाहित संबंध आपके लिए मुश्किलें उत्पन्न कर सकते हैं। बात चाहे कुछ नया सीखने की हो या रोमांस की, आप हर चीज में माहिर हैं। रोमांच और अंतरंगता भरे इन पलों को अपने दिल में संजो कर रखें। आज आप अपने भाई बहन या सलाहकार के साथ किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, बस दुर्घटना से सावधान रहें। कुछ गोपनीय बैठक के विचार विमर्श या रोमांटिक रिश्ते आज आपके कार्ड्स में हैं। आपके पति पत्नी का प्यार आपको हर संकट से मुक्ति दिलाएगा और आप आराम महसूस करेंगे। प्रेम के रंग को और भी गहरा बनाने के लिए अपनी बातचीत के कौशल का प्रयोग करें। आज अपनी सेहत को भी अनदेखा ना करें। बात करते हैं करियर की। आपका व्यवसाय जीवन आज आपको 7वें आसमान में ले जाएगा, जहां आपकी क्षमता पूरे आकर्षण में है। आपके अधिकारी भी आपकी काबिलियत को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करना या कौशल को बढ़ाना भी आपके करियर को नया मार्ग दिखा सकता है। पिछले दिनों की तुलना में आज का दिन शांत रहेगा। एक रोमांटिक गठबंधन की भी संभावना है। आज काम की तरफ अधिक ध्यान दें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं। परिवार में से किसी को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, इसके लिए चिकित्सक से मिलें। याद रखें, जीतना सब कुछ नहीं है, बल्कि जीतने का प्रयास करना सब कुछ है। बात करते हैं सेहत की।
स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु अपने ऊपर तनाव हावी ना होने दें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। सिर दर्द और माइग्रेन की तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज आप शनि भगवान जी के समक्ष सरसों के तेल से दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।